गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाट इज आई एम इन AWS। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आई एम। तो आई एम क्या होता है? एक तरह से एक आइडेंटिटी होती है, एक एक्सेस मैनेजमेंट होता है AWS का। मान लीजिए आप जब भी आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमेशा एक रूट यूजर लॉग इन करता है, और अमेजोन या किसी भी क्लाउड में जब हम लॉग इन करते हैं तो हम रूट एक्सेस किसी को नहीं देते, या हम रूट एक्सेस से कभी भी लॉग इन नहीं करते। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर सेपरेट यूजर्स क्रिएट करते हैं। उन सेपरेट यूजर्स को क्रिएट करने के लिए एक सर्विस अमेजोन में होती है, उसका नाम होता है आई एम। तो बेसिकली हम आज पढ़ेंगे आई एम क्या होता है, उसका उसके बारे में उसको डीप एक एनालाइज करेंगे कि किस तरह से हम आई एम को इम्प्लीमेंट करते हैं अमेजोन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज आई एम। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज ए वेब सर्विस दैट हेल्प यू सिक्योरली कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कभी भी कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बाई डिफॉल्ट हम रूट से लॉग इन करते हैं, राइट? जब हम पहली बार अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम रूट से लॉग इन करते हैं। तो वो जो यूजर होता है वो एज ए रूट होता है, उसके पास सारा एक्सेस होता है किसी भी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप या किसी भी सर्विस को सर्वर को लॉन्च करने के लिए। लेकिन कंपनीज में क्या होता है गाइस, कंपनीज में ये होता है कि हर किसी यूजर के लिए अलग से एक यूजर हमें क्रिएट करके देना होता है, और उसको परमिशन भी देनी होती है कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। तो पहली मैं बात करूं कि आई एम जो सर्विस होती है वो होती है ग्लोबल सर्विस। सो इट इज ए ग्लोबल सर्विस एंड यूज फॉर सेंट्रलाइजेशन एक्सेस मैनेजमेंट एंड यूजर मैनेजमेंट। तो ये सेंट्रलाइज मतलब कि एक ग्लोबल सर्विस है, हम किसी भी रीजन में बैठकर अगर आई एम सर्विस को यूज करेंगे तो वो हमें वहां से एक्सेस हो जाएगी, और हमें सारी चीजें उसमें शो करेंगे कि हम उसमें कितने हमने यूजर बनाए हुए, कितने ग्रुप्स को हमने एक्सेस, किस किस चीज का एक्सेस दिया हुआ है। तो गाइस, आई एम जो कंट्रोल करता है ना, मतलब एक तरह से जो वो चीजों को यूज करता है, ठीक है? तो वो कैसे कैसे करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो यू यूज आई एम टू कंट्रोल हु इज ऑथेंटिकेट, ठीक है? ऑथेंटिकेट का मतलब साइन इन से, एंड ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड मतलब परमिशन उसको है या नहीं है। इन दोनों चीजों को वेरीफाई करता है, तब आपको कोई चीज वो करने देता है, ठीक है, रिसोर्स को यूज करने के लिए। ऑथेंटिकेशन का जो मतलब होता है बेसिकली वो होता है कि आप AWS के जो कंसोल है उसके अंदर लॉग इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि हमें कोई सर्वर लॉन्च करना है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं पॉलिसी की तरह कि कोई भी चीज, किसी चीज का रिसोर्स का एक्सेस हमें है या नहीं है, राइट? तो वो एक ऑथराइजेशन होता है। ये तो मैं दोनों का डिफरेंस एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने एक यूजर क्रिएट कर दिया आई एम यूजर, बट उसको कोई आपने कोई ना कोई सर्विस का एक्सेस नहीं दिया, तो आपने उसे ऑथेंटिकेशन तो दे दिया कि वो कंसोल में लॉग इन कर रहा है, लेकिन वो किसी सर्वर को देख नहीं सकता, उसे लॉन्च नहीं कर सकता, या कोई भी सर्वर, या फिर वो कभी भी किसी सर्वर को रिस्टार्ट नहीं कर सकता, रिबूट नहीं कर सकता, वो एक यूजलेस हमारे लिए है यूजर, राइट? बट वो ऑथेंटिकेट हो चुका है, ऑथराइज नहीं है, करेक्ट? इसके इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं। तो सिंगल साइन इन आइडेंटिटी, तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन यू क्रिएट एन AWS अकाउंट, जब आप पहला कोई भी फ्रेश अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यू बीइंग विद सिंगल साइन इन आइडेंटिटी। सिंगल साइन इन आइडेंटिटी मतलब जो मैंने भी आपको बताया कि वो रूट यूजर होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसी यूजर को हम सिंगल आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है? दैट हैज कंप्लीट एक्सेस टू AWS सर्विस, जिसको पूरे AWS सर्विस के किसी भी रिसोर्स का, किसी भी सर्विस का पूरा एक्सेस होता है, राइट? दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड द AWS अकाउंट रूट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको ये AWS अकाउंट का रूट यूजर होता है, और इसका जो एक्सेस होता है वो ईमेल आईडी हो सकता है, ईमेल आईडी है, या और पासवर्ड होता है। मतलब कि अगर आप आई एम यूजर में जाकर उसको सर्च भी करेंगे तो वो यूजर मिलेगा नहीं। मान लीजिए मैंने अपने नाम से कोई भी एक अकाउंट क्रिएट किया अपनी ईमेल आईडी से, तो वो मुझे आई एम यूजर में शो नहीं करेगा, राइट? आई एम यूजर का मतलब है कि मैंने रूट यूजर को लॉग इन कर उसके बाद जो यूजर बनाए हैं वो मुझे आई एम के अंदर शो करते हैं, लेकिन रूट यूजर कभी भी मुझे आई एम पॉलिसीज या आई एम कंसोल के अंदर शो नहीं होता, राइट?
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आई एम फीचर्स हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आई एम के जो फीचर्स होते हैं, शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आई एम यूजर हम जब क्रिएट करते हैं तो हम किसी यूजर को अपने कंसोल का या अपने अकाउंट का एक्सेस दे रहे होते हैं। तो एक्सेस जब हम दे रहे होते हैं, हम उसको परमिशन भी देनी होती है कि हमें उससे कौन सी सर्विस एक्सेस करानी है या नहीं। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यू कैन ग्रांट अदर पीपल परमिशन टू एडमिनिस्टर एंड यूज रिसोर्सेज इन योर AWS अकाउंट विदाउट हैविंग टू शेयर योर पासवर्ड और एक्सेस की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे को ये कंपलसरी नहीं है कि मैं किसी भी यूजर को रूट का एक्सेस दूं, राइट। मान लीजिए मुझे अमेजोन में कोई ऐसी सर्विस यूज करनी है कि जो मुझे नहीं आती, या किसी यूजर को या किसी डेवलपर को उस चीज का यूज करना है या उसे पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बाई डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट करूंगा उस यूजर के नाम का, और उसको एक पासवर्ड, उसके नाम का पासवर्ड भी क्रिएट, मतलब यूजर क्रिएट करूंगा तो उसका पासवर्ड भी ऑब्वियसली क्रिएट करूंगा, क्रिएट करके मैं आपको दूंगा। तो वो क्या होगा, मैं उसको जो परमिशन दूंगा, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि वो उसे EC2 एक्सेस करना है या फिर लैम्डा फीचर यूज करना है, उसे डेटाबेस देखना है, तो वो चीज मैं उसके थ्रू उसको देता हूँ। तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट। ग्रैनुअल परमिशन, यू कैन ग्रांट डिफरेंट परमिशन टू डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डिफरेंट परमिशन और टू डिफरेंट पीपल। मान लीजिए मुझे AWS से सपोर्ट लेना है कोई, राइट। इसे एग्जांपल के तौर मान लेते हैं, या नीचे आप पढ़ सकते हैं, एक एग्जांपल है, यू माइट अलाउ सम यूजर कंप्लीट एक्सेस टू Amazon EC इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। मतलब EC2 का ना, मैं कोई यूजर है मेरे पास, उसको EC2 का पूरा एक्सेस देना है, Amazon S3 का देना है, DynamoDB का देना है, Redshift का देना है, और दूसरे सर्विस है उनका देना है। लेकिन फॉर अदर यूजर, अब मैं चाहता हूँ कुछ यूजर को सिर्फ S3 बकेट का एक्सेस तो हो, लेकिन वो रीड ओनली में हो, राइट। वो मतलब मेरी लिस्ट तो देख सकते हैं कि मेरे पास कितने बकेट बने हुए हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो देख सके, लेकिन उसमें वो कुछ कर ना सके, ठीक है। और क्या है इसमें, और परमिशन टू एडमिनिस्टर यूज सम इंस्टेंस। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चार इंस्टेंस हैं, चार में से दो इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि एक राम नाम का यूजर है, या श्याम नाम का यूजर है, या फिर कोई भी आप ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि राम को मैं सिर्फ दो सर्वर है मेरे पास, तो दो सर्वर को EC2 इंस्टेंस को वो रिस्टार्ट कर सके, स्टॉप कर सके, या वो कुछ भी कर सके, लेकिन जो बाकी दो सर्वर है उनको वो कुछ भी ना कर सके, तो राइट। तो इस तरह के जो यूजर को हम बोलते हैं ना, परमिशन जो हम देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ग्रैनुलर परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्स फॉर एप्लीकेशन दैट रन ऑन Amazon EC2 इंस्टेंस। ये एग्जांपल, राइट गाइज, ये जो फीचर हमें मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज करता है, बहुत ज़्यादा यूज हमें करना पड़ता है कंपनी इन्वायरमेंट। मान लीजिए कि मेरे पास S3 बकेट है, S3 बकेट को आप इस तरह से अभी ये समझ के लेंगे, कोई फाइल सर्वर है S3 बकेट, अभी के लिए मान के चले, और मेरे पास एक वर्चुअल सर्वर चल रहा है। तो मेरे को क्या करना होता है ना कि मान लीजिए मेरे को लॉग ना उस फाइल सर्वर के अंदर रखने होते हैं किसी भी तरीके से। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, एक आईएम यूजर क्रिएट करता हूँ जिसको कंसोल एक्सेस नहीं होगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन होगा, सॉरी ऑथराइजेशन होगा, ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। ऑथराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि वो API के थ्रू एक्सेस कर सकता है, राइट। मतलब उसे रिसोर्स तो मिल जाए, बट वो कंसोल में लॉगिन ना कर पाए, ऐसा कुछ जो आप साइन इन के बारे में जानना चाहते हैं, वो चीज मुझे नहीं चाहिए उसकी, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि एक आईएम यूजर क्रिएट करूंगा जिसके पास ऑथराइजेशन होगा, ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो उस समय पर ये फीचर काम आता है जो इसमें लिखा हुआ ना, सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्स फॉर एप्लीकेशन दैट रन ऑन Amazon EC2। यानी कि EC2 से मैं S3 सर्विस को यूज करना चाहता हूँ कुछ फाइल अपलोड करने के लिए, राइट, पर मैं नहीं चाहता कि वो किसी और तरीके से यूज किया जाए, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ, इंक्लूड S3 बकेट एंड DynamoDB टेबल्स, राइट। तो इन सभी चीजों में ये यूज होता है। दूसरा आता है हमारा बेनिफिट फीचर्स, जो हम कहेंगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। ये बहुत पॉपुलर चीज हो गई है आज के टाइम में कि हमें MFA हर चीज में यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए गाइस, मान लीजिए मैंने आपका कोई यूजर बना भी दिया है, राइट, पर हो सकता है वो कभी भी यूजर का पासवर्ड, यूजर नेम किसी और के पास अवेलेबल हो ही जाए, या कोई कंपनी में आपके क्रेडेंशियल कुछ देख ले। लेकिन MFA से ये होगा कि जब तक आपके फोन में वो जो कोड चल रहा है, गूगल ऑथेंटिकेटर नाम का एक ऐप आता है, बहुत सारे ऐप होते हैं जो आते हैं आज की डेट में, तो MFA सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हम उस MFA के थ्रू ना उनको ऑथराइज करते हैं, राइट। मेरे पास यूजर नेम है, पासवर्ड, लेकिन मेरे पास MFA कोड नहीं है, तो मैं फिर भी लॉगिन नहीं कर सकता। तो एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम इसको भी यूज करते हैं, जो IMA यूज करता है।
देख आगे और चलते हैं हम आइडेंटिटी फेडरेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। यू कैन अलाउ यूजर हु आल्सो हैव पासवर्ड एल्सवेयर फ्रॉम फॉर एग्जांपल इन योर कॉर्पोरेट नेटवर्क और विद एन इंटरनेट आइडेंटिटी प्रोवाइडर टू गेट टेम्पररी एक्सेस ऑफ योर एडीएस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास मेरे ऑफिस में एडी सर्वर चल रहा है या मेरा एलडीएप सर्वर चल रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे उसके अंदर मैंने बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं, या किसी भी तरह से मान सकते हैं कि मैंने एक डेवलपर का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक तरह से ना ये हो जाए कि जब भी मेरे ऑफिस के परमाइसिस के अंदर एडी या एलडीएप सर्वर में कोई चेंजेस होता है, डेवलपर ग्रुप में कोई नया यूजर आता है या हटता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस यूजर को एक्सेस मिल जाए मेरे उसमें अमेजोन क्लाउड में, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार ना मैं आईएम में जाऊं, फिर एक यूजर को कोई चला गया है तो उसको डिलीट करूं, फिर दोबारा से एक नया यूजर बनाऊं, फिर क्रेडेंशियल शेयर करूं, राइट। इस तरह से मैं कोई सर्विस नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे एडी या एलडीएप में कहीं कोई यूजर क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो उसको क्या परमिशन हो जाए, बाई डिफॉल्ट वो वहां से मिल जाए। तो इस तरह की एक टेम्पररी एक्सेस मेरे चाहता हूँ कि एडब्ल्यूएस अकाउंट से मेरे यूजर को मिल जाए, राइट। तो उस कंडीशन में हम आइडेंटिटी फेडरेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर एश्योरेंस। इस चीज को आप ऐसे माने कि मैं चाहता हूँ कि जो भी यूजर मेरे क्लाउड के अंदर लॉगिन करता है तो उसका कुछ लॉग्स मेरे को ना मिलने चाहिए, राइट। क्योंकि तो मान लीजिए कल को मैंने आपका आईएम यूजर बना कर दे दिया और आपने कल को किसी सर्वर को टर्मिनेट कर दिया और मेरे पास कोई लॉगिन नहीं, किसने टर्मिनेट करा है या किसने लॉन्च करा है, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडब्ल्यूएस क्लाउड ट्रेल को यूज करते हैं और कलर इस तरह की चीजों इंफॉर्मेशनों को रिकॉर्ड रखने के लिए या कुछ भी चीज तरह करने के लिए जो हमारा आईएम होता है वो उसको भी सपोर्ट करता है, राइट। अब बात आती है आईएम, आगे हम चलते हैं पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंसेस। पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंसेस तो क्या होता है गाइस, ये ना कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि पेमेंट के लिए रिकॉर्डिंग कुछ हो गया या आपका डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड हुए हैं, तो उसके लिए भी जो ये आईएम है ना वो फीचर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आईएम सपोर्ट द प्रोसेसिंग स्टोरेज ट्रांसमिशन ऑफ क्रेडिट कार्ड डेटा बाय मर्चेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम या मर्चेंट के थ्रू हमारे पास क्रेडिट कार्ड का कोई डेटा आ रहा है, ट्रांसमिशन है, डेटा स्टोरेज करना है, इन सब चीज़ों का जो एक कंप्लाइंस होता है पीसीआई उसको भी फॉलो करता है आईएम फीचर, ठीक है। हम बहुत सारी सर्विस आईएम के थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं। मैंने ये लिंक दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको कि हम कौन कौन सी और सर्विस, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम आईएम से ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गाइस कोई अगर टॉपिक ना समझ में आए तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे पता लग जाए। अब आता है इवेंचुअली कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आई एम अचीव्ड हाई अवेबिलिटी बाई रेप्लीकेटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर विद इन अमेजोन डेटा सेंटर अराउंड द वर्ल्ड। तो अमेजोन के जो बहुत सारे सेंटर्स है ना उनके अंदर है क्या कि उसमें बहुत सारे रीजन है। अब रीजन है तो इसका मतलब है कि मैंने आपको अभी बोला कि ये ग्लोबल सर्विस है, राइट। तो ये क्या करता है कि जिस भी रीजन से बैठ के आप कोई भी आईएम यूजर क्रिएट करते हैं तो रेप्लिकेट कर देता है पूरे डेटा, अपना डेटा सभी सर्वर्स पे जो अमेजोन के डेटा सेंटर के अंदर है, जिससे कि हम आईएम यूजर को यूज कर पाते हैं किसी भी रीजन से बैठ के, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है ना, कुछ लोग समझते हैं रीजन क्या है या ग्लोबल का मतलब क्या है। ग्लोबल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं EC2 इंस्टेंस पे बैठा हूँ, राइट। अब मैं जिस रीजन में EC2 इंस्टेंस पे सर्विस पे क्लिक करूंगा वो उस रीजन में लॉन्च हुए EC2 इंस्टेंस को मुझे शो करेगा, राइट। इसका मतलब है कि मुझे हर बार रीजन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ठीक है, ये एक EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आईएम यूजर जो ग्लोबल, मैंने आपको बोला ग्लोबल का मतलब ये है कि मैं अगर मुंबई रीजन में बैठा हूँ तो कोई यूजर ऐसा है जो EC2 इंस्टेंस एक्सेस करता है लंदन में या यूरोप के या किसी भी रीजन में, तो वो मुझे वो यूजर वो किसी भी, जैसे मैं मुंबई में बैठा हूँ तो वो मुझे मुंबई से भी दिखाई देगा कि भाई मैंने एक यूजर बनाया हुआ है वो मुंबई के सर्वर को एक्सेस करता है। तो मतलब वो पॉलिसीज सारी चीजें मैं चेक कर सकता हूँ उसकी, राइट। मतलब जेसन फाइल होती है उसके अंदर, जेसन फाइल को हम चेक कर सकते हैं कि वहां पे, या हमने जो परमिशन इस यूजर को दी हुई कि हो सकता है मैंने कोई ऐसा यूजर मुंबई में बैठ के बनाया है कि वो यूजर EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर सकता है फ्रैंकफर्ट के,
तो फ्रैंकफर्ट क्या कर सकता है, तो भाई मुझे वो उसके अंदर दिखाई देगा, उसके पॉलिसीज के अंदर, ठीक है। तो उस तरह के इवेंचुअली हम कंसिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि हमें जो ये है अमेजोन डेटा सेंटर के अराउंड, अमेजोन का जो डेटा सेंटर उसमें वो डेटा को प्रोसेस कर देता है। इफ रिक्वेस्ट टू चेंज सम डेटा यूजफुल, द चेंज इज कमिटेड एंड इज स्टोर सेफली। अगर कोई डेटा रिक्वेस्ट आती है, मतलब डेटा चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो रेप्लिकेट हो जाता है सभी में। वो आई एम फीचर आपके लिए प्रोवाइड करता है, मतलब ये फीचर एक आई एम के अंदर भी अवेलेबल है। हाउएवर द चेंज मस्ट बी रेप्लिकेट अक्रॉस आई एम विच टेक टम टाइम, थोड़ा सा टाइम, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये ग्लोबल सर्विस है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा अपने आप को, थोड़ा सा मिली सेकेंड्स में कुछ टाइम लेगा आपके डेट चीजों को चेंज करके रेप्लीकेट करने में। तो सच सर्विस इंक्लूड क्रिएटिंग और अपडेटिंग यूजर ग्रुप रोल्स एंड पॉलिसीज, जैसा कि चेंजेस कैसे बताया मैंने आपको, ग्रुप है, यूजर है, रोल्स बने हैं, पॉलिसीज क्रिएट करी हैं, पॉलिसी अपडेट करी गई है आपकी तरफ से किसी यूजर के लिए, तो वो सब चीजें। वी रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट इंक्लूड सच एज आई एम चेंजेस इन द क्रिटिकल हाई अवेलेबिलिटी कोड पाथ और योर एप्लीकेशन। वी रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट इंक्लूड सच आई एम चेंजेस इन द क्रिटिकल हाई अवेलेबिलिटी कोड पाथ ऑफ योर एप्लीकेशन। तो रिकमेंडेड किया जाता है कि कोई भी चेंजेस अगर आपके कोड पाथ में आई एम का कोई है, मतलब कहीं भी कोई ऐसी क्रिटिकल चीजें मैंने आप कोई कोड में आपने आई एम यूजर की एंट्री कर रखी है या कुछ भी किया, तो उस चीज को मतलब ना करें, आई एम को ना उसके अंदर ना करें, उस चीज के अंदर ना लिखें उसे, ठीक है। इंस्टेंट मेक आई एम चेंजेस इन द सेपरेट इनिशियलाइजेशन और सेटअप रूटीन दैट यू यूज दैट यू रन लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब या तो आप ऐसा करें कि भाई आई एम यूजर को सेपरेट क्रिएट करें और रूटीन सेटअप कर लें कि भाई फ्रिक्वेंटली वो इसमें चेंजेस ना किए जाएं, राइट। ऑल्सो बी श्योर टू वेरीफाई दैट चेंज हैव बीन अप प्रोपोगेट बिफोर प्रोडक्शन वर्क फ्लो डिपेंड अपॉन देम। और अगर आपने किसी वजह से कोई चेंजेस किया भी है, मान लीजिए मैंने इसी टू इंस्टेंस से डेटा कॉपी करना था S3 में, और फिर उस यूजर के अंदर मैंने कोई चेंजेस किए हैं, तो ना जब आप प्रोडक्शन सर्वर पर कोई चीज कर रहे हैं, तो उसको ना वेरीफाई कर लें कि जो चीज आप करना चाह रहे थे एग्जैक्टली वही हुई है या नहीं, ठीक है। इवेंचुअली कंसिस्टेंस का मतलब एक्चुअली यही है कि आप कभी भी कर सकते हैं कोई चेंजेस, ना, लेकिन हम रिकमेंडेड करते हैं कि भाई आप प्रोडक्शन पे ना बेसिकली डेली बेसिस पे या फ्रिक्वेंटली ना करें इस चीजों को। लीस्ट प्रिविलेज परमिशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। व्हेन यू सेट परमिशन विद आई एम पॉलिसीज ग्रांट ओनली द परमिशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क, द प्रैक्टिस इज नोन एज ग्रांटिंग लीस्ट प्रिविलेज, ठीक है। यू कैन अप्लाई लीस्ट प्रिविलेज परमिशन इन आई एम बाई डिफाइनिंग द एक्शन दैट यू कैन टेक ऑन स्पेसिफिक रिसोर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। मान लीजिए कि इसका एग्जैक्टली मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ क्या है, कि मैंने कोई एक आई एम पॉलिसी बनाई, ठीक है, और मैंने किसी पर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो पॉलिसी क्रिएट करी थी, परमिशन रिक्वायर मतलब दे दी मैंने, तो उसको हम कहते हैं ग्रांटिंग लीस्ट प्रिविलेजेस, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी स्पेसिफिक, मैं चाहता हूँ कि कोई एक सिंगल इसी टू इंस्टेंस है, वो ही सिर्फ टर्मिनेट होना चाहिए किसी स्पेसिफिक टाइम पे या स्पेसिफिक कंडीशन में। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई अगर मेरे चार सर्वर चल रहे हैं, लोड मेरे पास कम है, तो मैं एक सर्वर टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई स्पेसिफिक कोई एक सर्वर को मेंशन कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास चार चल रहे हैं, तो जब भी टर्मिनेट हो ये वाला सर्वर स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए या स्टॉप हो जाए, तो मैं वो स्पेसिफिक कंडीशन को जो हम बोलते हैं ना, स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेसिफिक रिसोर्स को यूज करते हैं किसी टास्क को लेकर, तो हम बोलते हैं उसे लीस्ट प्रिविलेज परमिशन, ठीक है। उसके बाद आता है RBAC, RBAC होता है बेसिकली फुल फॉर्म होती है इसका, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं हम। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बेसिकली प्रोवाइड ए वे टू फॉर यू टू असाइन परमिशन बेस्ड ऑन ए पर्सन जॉब फंक्शन नॉन आउटसाइड ऑफ AWS एज ए रोल। आई एम प्रोवाइड RBAC बाई डिफाइनिंग आई एम रोल्स विद परमिशन दैट अलाइन विद जॉब फंक्शन यू दैट कैन ग्रांट इंडिविजुअल एक्सेस टू अज्यूम दीज रोल टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब फंक्शन विद RBAC। यू कैन ऑडिट एक्सेस बाई लुकिंग एट ईच आई एम रोल एंड इट्स अटैच परमिशन, ठीक है। तो गाइज जो RBAC
जो होता है, मतलब ये नॉर्मल जो हम एक्सेस करके, मतलब मैंने रूट्स एक्सेस किया और एक यूजर क्रिएट करके आपको दे, तो वो एक आरबैक फॉलो करता है। मतलब मैंने किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ आप इसी इंस्टेंस को ही चेक करें और या डेटाबेस को ही आप एक्सेस कर पाए, तो उस तरह की जो मैं आईएम पॉलिसीज क्रिएट करूंगा स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफिक एक्सेस के लिए, तो वही हो गया हमारे लिए आरबैक एक्सेस कंट्रोल, मतलब रोल बेस्ड। ठीक है, इन आई एम यू इंप्लीमेंट आरबैक बाई क्रिएटिंग डिफरेंट पॉलिसीज बाई डिफरेंट जॉब फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबैक क्या होता है, बाई डिफॉल्ट किसी एक पॉलिसी मैंने आपको क्रिएट कर दी है, ठीक है, एक जॉब फंक्शन के साथ कि भाई आप आरडीएस को ही चेक कर सकते हैं या उसमें ही कुछ कर सकते हैं, तो वो एक कंडीशन हो गई, जॉब फंक्शन हो गया कि उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं आरडीएस के अंदर, मतलब आरडीएस के अंदर सब बंद कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, वो चीज एक स्पेसिफिक जॉब फंक्शन हो गया आपके लिए। यू देन अटैच द पॉलिसी टू आइडेंटिफाई, मतलब मैंने किसी ग्रुप के साथ इसे अटैच किया, मतलब एक तरह से फंक्शन है कि मैंने आई एम कोई पॉलिसी बनाई है और किसी ग्रुप पे अटैच कर दिया, किसी किसी यूजर पे अटैच कर दिया, राइट। उस तरह की पॉलिसी जो हम यूज करते हैं वो आर बैक ही पॉलिसी आते हैं। ठीक है, तो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस यू ग्रांट द मिनिमम परमिशन नेसेसरी फॉर जॉब फंक्शन। फॉर बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपसे बोलूंगा कि आप जब भी कोई परमिशन किसी को दें तो वो मिनिमम दें, राइट। ऐसा ना हो फुल एक्सेस दे दें आप ये और बंदा कुछ भी कर ले, तो कोशिश करिए कि आप जब भी कंपनी गवर्नमेंट काम करें तो वो आप स्पेसिफिक परमिशन के साथ मिनिमम परमिशन दें, स्पेसिफिक परमिशन दें या फिर जैसे जॉब टास्क दिया है तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम परमिशन दें। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि द डिसएडवांटेज टू यूज द ट्रेडिशनल आरबैक मॉडल इज दैट व्हेन एम्प्लॉई ऐड न्यू रिसोर्स यू मस्ट अपडेट पॉलिसी टू अलाउ एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। मान लीजिए कि अब मैंने कोई एक एम्प्लॉई ऐड किया है, एम्प्लॉय के लिए कोई न्यू रिसोर्स ऐड किया है, ठीक है, तो अब होगा क्या कि मुझे बार बार पॉलिसी को अपडेट करना पड़ेगा अक्रॉस द रिसोर्स। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो मान लीजिए कि पहले एक बार से देख लेते हैं, मॉडल इज दैट व्हेन एम्प्लॉय ऐड न्यू रिसोर्सेज, मान लीजिए कि मैंने कोई ईसी टू इंस्टेंस को ऐड किया है। ठीक है, अब उस पॉलिसी में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है कि इस वाले इंस्टेंस को कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा, राइट। तो मेरे लिए क्या हो गया, मान लीजिए मैंने कोई ईसी टू इंस्टेंस कराया, मैंने किसी राम नाम के यूजर को परमिशन दे दी कि भाई वो मेरे पास चार सर्वर थे, उन चार सर्वर में से किसी एक सर्वर को टर्मिनेट कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। अब मेरे पास पांच सर्वर हो गए, राइट, लेकिन मैंने परमिशन तो चार की ही दी हुई है, तो वो तो चार पर ही काम कर सकता है, पांचवे पर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह की जो डिसएडवांटेज है वो आरबैक के अंदर है। इसे आगे पढ़ते हैं, किसने हमें सॉल्व किया, तो हम आते हैं अगर, हाँ, जैसे मान लीजिए कि रोल बेस्ड एक्सेस आरबैक का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अज्यूम दैट यू हैव थ्री प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट है मेरे पास, हर्ट सन और लाइटिंग का, ठीक है, यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक रोल क्रिएट किया हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर्ट के लिए, सन के लिए, लाइटिंग के लिए, ठीक है, और मैंने यू देन अटैच पॉलिसीज टू ईच आई एम रोल टू डिफाइन द रिसोर्स दैट एवरी एनी वन अलाउ अज्यूम टू रोल कैन एक्सेस। ठीक है, मैंने अटैच कर दिया इसके साथ और तीनों के साथ अलग अलग पॉलिसीज अटैच कर दी हैं एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, मैंने क्या करा है, हर्ट सन और लाइटिंग की ही पॉलिसी बना दी है। ठीक है, अब होगा क्या, अब हुआ ये कि जो एम्प्लॉय की कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हुए मेरी कंपनी में और किसी यूजर को ना जो हर्ट पे काम करता था अब वो सन में काम कर रहा है। ठीक है, अब उस यूजर के पास जो परमिशन थी वो तो हर्ट की थी, सन की है नहीं। ठीक है, अब या तो मेरे पास ये हो कि मैं एडिशनली अलग जाके उस एम्प्लॉय के लिए सन की परमिशन पॉलिसीज क्रिएट करूं, राइट, ये दोनों में ऐड कर दूं तो वो दोनों का एक्सेस कर पाएगा, या किसी एक में ऐड कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे हट पे भी काम करना होता है सन पे भी करना होता है। अब सन की कंडीशन ये है कि कुछ S3 बकेट हैं जिसमें मुझे एक्सेस देना है किसी में नहीं देना है। ठीक है, तो ये मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि भाई अब मैं कैसे करूं कि भाई वो दो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है लेकिन कंडीशन के हिसाब से वो कुछ हार्ट की एक्सेस कर सकता है कुछ सन का, लेकिन वो तो दोनों कर पा रहा है और सारी चीजें कर पा रहा है, राइट। पढ़ लेते हैं इसमें, पीपल और प्रोग्राम कैन असाइन टू मोर देन वन रोल, हाउएवर द सन प्रोजेक्ट माइट रिक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज सच एज न्यू अमेज़न बकेट, इन दैट केस यू मस्ट अपडेट द पॉलिसी अटैच टू सन रोल टू स्पेसिफिक बकेट और रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है, अब अदरवाइज सन प्रोजेक्ट मंडोला, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आई कि S3 बकेट नहीं बनानी है,
ठीक है, अगर मैं परमिशन देता हूँ सन को तो या तो पूरे एम्प्लॉय सारे यूज कर लें, ठीक है, या फिर उसको एम्प्लॉय को एक्सेस देता हूँ तो वो एम्प्लॉय बना सकता है, वो फिर कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंडीशन है जो हमारे पास रोल स्पेसिफिक कंडीशन आती है हमारे पास, कि आरबैक में हम नहीं कर पाते कि दो प्रोजेक्ट पे एक ही यूजर काम कर रहा है, तो दोनों प्रोजेक्ट की कंडीशन अलग अलग हैं, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट चीजें होंगी, ठीक है। मैंने हर्ट में किसी को दिया S3 बकेट नहीं बनानी है और सन में बनानी है, अब जब सन में बनानी है तो यानी कि प्री डिफाइन है जो उस यूजर के पास चली गई एक्सेस, अब उसने हर्ट प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा कोड रन कर दिया जो कि S3 बकेट क्रिएट कर रहा है या अनलिमिटेड हिट मारे जा रहे हैं, वो क्रिएट करे जा रहा है, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करेगा। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि भाई मान लीजिए पहले हर्ट था, फिर सन आ गया, फिर लाइटिंग आ गया, अब लाइटिंग सभी अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, फिर लाइटिंग से एक यूजर को उठा के सन में डाला गया, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि उसको बकेट ऑब्जेक्ट जो थे वो तो थे ही थे, लेकिन अब उसको क्रिएट का भी एक्सेस मिल गया, राइट। अब वो क्या कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है लाइटिंग के लिए भी, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें मैंने दोनों में डाल दिया होता है। अब जब दोनों में डाल दिया तो मतलब कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो S3 बकेट क्रिएट कर सकता है, तो वो ऑलवेज ऑलवेज कर पाएगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास आया ए बैक, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ए बैक की जरा तो ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी दैट डिफाइन परमिशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, ठीक है। ये क्या करता है, ऑथराइज स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है परमिशन बेस्ड, ठीक है। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम, इन रिवर्स दीज एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड टैग्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, इनको हम टैग के नाम से जानते हैं अमेजोन में, यू कैन डिफाइन देम ऑन AWS रिसोर्सेज। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, मैं क्या करूंगा कि रोल बेस्ड एक्सेस दूंगा ही नहीं। मैंने क्या करा कि भाई मैंने दे दिया रिसोर्स बेस्ड, मैंने कहा कि मेरे पास चार सर्वर है, चार सर्वर पे मैंने दो को टैग दे दिया हर्ट का और दो को ले दिया लाइटिंग का, राइट। तो मैंने क्या किया कि रोल बेस्ड पॉलिसीज ना क्रिएट करके एट्रीब्यूट बेस्ड पॉलिसी कर देगी, जिसके पास ये टैग की परमिशन होगी वो ही उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने चार सर्वर क्रिएट करे और एक पांचवा बना दिया, उस पर टैग उस केस में तो वो है कि वो चार ही एक्सेस कर सकता है, पांचवा नहीं कर सकता, ठीक है। और मेरे पास कंडीशन अब ये आ गई है भाई, हो सकता है कि मेरे पास सर्वर और लॉन्च हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, मैंने ऑटो स्केलिंग में किया हुआ है काम, तो अब मैं क्या करूंगा, टैगिंग बेस कर दूंगा कि हो सकता है नया सर्वर जब लॉन्च होगा तो एक्सेस तो होना चाहिए ना यूजर के पास जो सर्विस को हैंडल करे, तो मैंने टैग बेस सर्विसेज को एट्रीब्यूट्स टाइप मैंने ना उसको एक्सेस दिया, यू कैन डिफाइन देम। अच्छा ये तो हो गया, आई एम रोल एंड इन रोल सेशन, ठीक है। विद एवीस ए बैक यू डिफाइन अ सेट ऑफ परमिशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ टैग। टैग के बेस पे आप ना परमिशन डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन ग्रांट द फाइन ग्रेन परमिशन टू स्पेसिफिक रिसोर्स बाय रिक्वायरिंग टू द टैग ऑन द रोल एंड सेशन टू मैच द टैग ऑन द रिसोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिंग AWS आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल विद डिस्टिंक्ट पॉलिसी ऑफ एवरी टीम और इंडिविजुअल टू इंश्योर द राइट लेवल ऑफ एक्सेस, यू कैन यूज ए बैक टू ग्रुप एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई विच रिसोर्स ए सेट ऑफ यूजर कैन एक्सेस। मैंने क्या करा, ग्रुप बनाया डेवलपर का और एक टैग दे दिया सर्वर पर डेवलपर, अब उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर होंगे उस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इस तरह से इसे हम ए बैक बोलते हैं। तो अब मेरे को क्या करना होगा, सिर्फ उस ग्रुप में एक कभी भी यूजर को ऐड करना होगा तो मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मेरा काम वहां खत्म हो जाएगा क्योंकि वो टैग के थ्रू उसकी सर्विस को एक्सेस कर पाएगा, और मेरे लिए फिर बार बार ये परमिशन भी नहीं रहेगी कि बार बार मुझे पॉलिसीज को अपडेट करना है, राइट। ये बहुत ही बढ़िया चीज है अमेजोन में जो अभी है ए बैक के नाम से। बहुत सारे जो क्लाउड टीचर हैं वो इसे नहीं बताते आर बैक या ए बैक का, मैंने भी आपको ये बता दिया गाइस, क्योंकि मैंने भी कहीं इस चीज को फेस किया है कि क्या हो सकता है इसमें, तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया तब मुझे पता लगा कि आर बैक और ए बैक भी कोई चीज होती है जो इसमें, तो फिर मैंने पढ़ा और मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका फिगर आउट करा देते हैं कैसे। तो क्या था इसके लिए एट्रीब्यूट ए बैक का, तो देखिए ये था हमारा रोल बेस और ये है हमारा ए बेस ए बैक। तो इसमें क्या है, मैंने टैग दे दिए रेड ब्लू और ये एक और कलर, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, ब्लू कलर को सिर्फ दिया है कि वो बकेट बना सके, रिपोर्ट जनरेट कर सके, ठीक है। और मैंने एक को दे दिया इंस्टेंस कर सके, रिपोर्ट निकाल सके, या फिर किसी को मैंने रिसोर्स के अकॉर्डिंग
सब चीजें एक्सेस देनी, तो वो अब जो यूजर जिस टैग का है वो उसी टैग के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, राइट। ये बहुत बढ़िया चीज है अमेजोन में, ठीक है। एक और चीज होती है हमारे यहाँ पे SCP, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज, ठीक है। SCP आर सिमिलर टू IAM पॉलिसीज एंड यूज ऑलमोस्ट द सेम सिंटैक्स, राइट। हाउएवर SCP डज नॉट ग्रांट परमिशन, इंस्टेड SCP अलाउ और डिनाई एक्सेस टू ADOS सर्विस फॉर इंडिविजुअल ADOS अकाउंट विद ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स अकाउंट और फॉर ए ग्रुप ऑफ अकाउंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, द स्पेसिफिक एक्शन फ्रॉम ए SCP अफेक्ट ऑल IAM यूजर एंड रोल्स इंक्लूड द रूट यूजर ऑफ द मेंबर अकाउंट। मान लीजिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट है, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँ करता हूँ कि तीनों अकाउंट में मैं एक अकाउंट में यूजर रखना चाहता हूँ, एक में अपने रिसोर्सेज रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक अकाउंट में सिर्फ मैंने IAM यूजर बनाए हैं, ये क्रिएट किए, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इस अकाउंट के IAM यूजर मेरे दूसरे अकाउंट के रिसोर्सेज को यूज कर सके, ठीक है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, SCP, राइट। SCP का इतना ही होता है कि ऑर्गेनाइज सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, वो क्या होता है, सेम होता है IAM पॉलिसी की तरह, सिंटेक्स भी सेम होता है, बस ये क्या करता है ना कि ये परमिशन आपने प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो SCP मान लीजिए कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को परमिशन दे रहे हैं, ना कि IAM को परमिशन दे रहे हैं, राइट। हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को परमिशन दे रहे हैं, उस अकाउंट के अंदर यूजर अलग अलग है, उसको कैसा एक्सेस जाएगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बस मेरे EC2 इंस्टेंस ही एक्सेस कर पाए, दूसरा अकाउंट नहीं कर सकता इस वाले को, तो ये उस केस में काम आता है गाइस, जब हम क्या कहते हैं ना कि हम कुछ किसी कंपनीज को हायर कर लेते हैं अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और हमारा हम चाहते हैं कि रिसोर्स तो हमारे अकाउंट में बनाए जिससे कि हम बिलिंग कर सकें, राइट। पर हम चाहते हैं कि यूजर उन्हीं के रहे, तो उस केस में हम SCP को हम यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज को यूज करते हैं कि हम अपना कंपनी जिसका प्रोजेक्ट लेना होता है उसको बोल देते हैं कि आप AWS का अकाउंट बना लीजिए, बाकी यूजर हमारे काम करेंगे, वो अपने अकाउंट में डेवलपर्स या क्वालिटी या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन इन सब की टीमों को बना के रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारा IAM यूजर जितने भी है वो उस चीज को यूज कर पाते हैं, राइट। तो उस केस में हम SCPs को यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं SCPR वैसे IAM पॉलिसी के, इसके लिए तो SCPR मेनली यूज टू अलोंग विद AWS ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये जैसा हमने अभी पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के थ्रू हमारे लिए वो काम करते हैं, राइट। IAM पॉलिसी ऑपरेट एज ए प्रिंसिपल लेवल पे ये काम करती है। SCP डू नॉट रिप्लेस IAM पॉलिसी, SCP IAM पॉलिसी को रिप्लेस नहीं कर सकती, सच दैट दे डू नॉट प्रोवाइड एक्चुअल परमिशन, क्योंकि SCP कभी भी आपको एक्चुअल परमिशन प्रोवाइड नहीं करती, वो सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट आपको परमिशन प्रोवाइड करती है। टू परफॉर्म एन एक्शन यू विल स्टिल नीड ग्रांट अप्रोप्रिएट IAM पॉलिसीज परमिशन, आपको कभी भी दूसरे अकाउंट में सर्विस चलाने के लिए फिर भी IAM यूजर की परमिशन होती है, राइट। सिर्फ SCP क्या करता है, अकाउंट टू अकाउंट आपको परमिशन देता है, ना कि IAM यूजर, ठीक है। दूसरे अकाउंट में आपको ये बताना पड़ता है फिर भी कि भाई कौन सा यूजर वहां से एक्सेस करेगा। मैं टॉपअप पे कभी हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसको और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ IAM पॉलिसी, दो टाइप की IAM पॉलिसीज होती है, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड पॉलिसी अटैच टू एन IAM यूजर ग्रुप एंड रोल। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज होती है, एक होता है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी अटैच टू रिसोर्स सच एज S3 बकेट, ठीक है। ये हमने अभी देखा था, इवन इफ ए प्रिंसिपल इज अलाउड टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्शन ग्रांटेड थ्रू IAM पॉलिसी एंड अटैच, SCP विल ओवरराइड दैट कैपेसिटी इफ इट इन्फोर्स ए डिनाई टू दैट एक्शन, SCP टेक प्रिसेडेंस ओवर IAM पॉलिसी। होता क्या है कि मान लीजिए किसी वजह से कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि कोई IAM यूजर है, उसको कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए IAM पॉलिसी में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, SCP जो हमारी ये पॉलिसी है हम इसको अप्लाई करते हैं तो ओवरराइड हो जाती है पॉलिसी, राइट। SCP विल ओवरराइड दैट कैपेसिटी, मान लीजिए कि इसमें जैसे लिखा हुआ है, इवन इफ ए प्रिंसिपल इज अलाउड टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्शन, कोई भी IAM यूजर है या कोई प्रिंसिपल लेवल पे कोई एक यूजर क्रिएट है जिसको IAM के थ्रू पॉलिसी एक्सेस है,
वो जैसे ही हमने उससे SCP अटैच किया तो वो ओवरराइड कर देगा SCP उसको ना, उसकी पॉलिसीज को, इफ इट इनफोर्स ए डिनाई ऑन दैट एक्शन, अगर ये उस एक्शन को डिनाई कर रहा है, मतलब कि SCP में ये लिखा हुआ है कि वो उसको नहीं कर सकता और IAM में लिखा हुआ है कि वो उस चीज को कर सकता है, तो उसको ओवरराइड कर देगा डिनाई के लिए। ठीक है, तो हम दोनों की पॉलिसीज में अगर कोई प्रेफरेंस लेगा तो वो SCP वाली पॉलिसीज को प्रेफरेंस देगा, ठीक है, वो डिनाई केस में। IAM पॉलिसी कैन ग्रांट डिनाई ए प्रिंसिपल परमिशन टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन टू सर्टेन रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज टूगेदर विद SCP टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन एडोरेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो IAM पॉलिसी कैन ग्रांट एंड डिनाई ए प्रिंसिपल परमिशन, ये आपको पता ही है कि हम किसी परमिशन को डिनाई ग्रांट कर सकते हैं फॉर सर्टेन एक्शन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, किसी सर्टेन एक्शन के लिए किसी सर्टेन रिसोर्स पे। ठीक है, दैट कैन बी यूज टूगेदर SCP टू इंश्योर, तो SCP क्या करता है कि इंश्योर करता है कि वो जो स्टिक कंट्रोल पॉलिसी है ना, वो मतलब इंश्योर करेगा कि वो सही रहे या नहीं। इसके बाद हम आगे और चलते हैं, तो SCP कैन बी अप्लाइड टू द रूट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और टू इंडिविजुअल अकाउंट इन AU इन एन OU ऑर्गेनाइजेशन, मतलब SCP कैन बी अप्लाइड टू द रूट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCP किसी भी रूट पे अप्लाई हो सकती है, रूट अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, और टू द इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी SCP का मतलब है कि मतलब इस तरह समझे कि मेरे या तो किसी कंपनी में 3 अकाउंट है, 3 में से किसी जो रूट अकाउंट होगा आपका उसके लिए होगी, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल भी हो सकती है, दूसरी कंपनी और दूसरी कंपनी हो गया OU। व्हेन यू इसी में आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू अप्लाई एन SCP टू एन OU और एन इंडिविजुअल AWS अकाउंट, इसमें कह रहा है कि व्हेन यू अप्लाई SCP, जब आप किसी OU मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में SCP अप्लाई करते हैं, यू चूज टू आइदर इनेबल, या तो आप उसे इनेबल मतलब कहते हैं कि या तो किसी चीज को डिसेबल कीजिए या फिर इनेबल कीजिए, मतलब व्हाइट लिस्ट करिए या फिर ब्लैक लिस्ट करिए किसी AWS सर्विस को। ठीक है, एक्सेस टू एनी सर्विस दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउड बाय SCP एसोसिएट विद एन अकाउंट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कोई भी सर्विस AWS की एक्सप्लिसिटली अलाउ नहीं होती SCP के थ्रू, ठीक है, विद इन अकाउंट, कोई मतलब बाय डिफॉल्ट SCP ना आपको कोई चीज अलाउ करके नहीं देगा, वो ब्लैक मतलब डिसेबल करके देगा। ठीक है, इट्स पेरेंट्स OU और द मैनेजमेंट अकाउंट इज डिनाइड टू द AWS अकाउंट, और मैनेजमेंट अकाउंट इज डिनाइड टू द AWS अकाउंट्स और OU एसोसिएटेड विद SCP। तो इसमें क्या करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के जो पेरेंट है, मतलब कि मान लीजिए मैंने किसी चीज को डिनाई किया हुआ है, SCP के अंदर जो पेरेंट OU है ना, वो डिनाई या एक्सेस कर सकता है किसी दूसरे अकाउंट के लिए भी। ठीक है, इसका बस छोटा सा मतलब यही है, इसको हम अभी जब हम 2 अकाउंट क्रिएट करेंगे SCP का टेस्ट, मतलब हम मतलब लैब करेंगे उसमें, और क्लियर होगा आपको कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एनी अकाउंट हैज ओनली दोज परमिशन परमिटेड बाय एवरी पेरेंट अबव इट। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी यूनिट में जो मतलब पेरेंट के पास जो परमिशन होगी वो ही परमिशन आगे परमिट होगी। ठीक है, एनी अकाउंट हैज ओनली दोज परमिशन परमिटेड बाय एवरी पेरेंट अबव इट। ठीक है, इफ ए परमिशन इज ब्लॉक्ड एट एनी लेवल, मान लीजिए कि अब मैं बात करता हूँ, जैसे IAM यूजर और SCP, IAM यूजर की पॉलिसी अलग है, SCP का अलग है। अब ये कह रहा है कि किसी भी लेवल पर अगर कोई परमिशन ब्लॉक है, आइदर इम्प्लिसिटी, इसका मतलब है कि बाय नॉट बीइंग इंक्लूड एन AWS पॉलिसी स्टेटमेंट, और एक्सप्लिसिटली बाय बीइंग इंक्लूड डिनाई पॉलिसी स्टेटमेंट, ए यूजर और रोल इज इफेक्टेड अकाउंट कैन नॉट यूज दैट परमिशन, मतलब कि किसी भी तरीके से अगर डिनाई परमिशन दोनों कंडीशन में है, IAM की तरफ से है या SCP की तरफ से, तो वो क्या करेगा, वो उसको ब्लॉक करेगा।
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने अलाउ करा हुआ है, किसी ने डिसेबल किया हुआ है तो वो अलाउ कर देगा, वो डिनाई करेगा उसे, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसमें क्या कहा है कि इवन देयर अटैच बाय एम्प्लॉय गारंटी, अच्छा ठीक है, ये आई एम पॉलिसी के अंदर गारंटीड एडमिशन परमिशन है, फिर भी वो उसे डिसअलाउ करेगा, ठीक है, समझ गया। अभी समझ गए होंगे कारण, जो मैंने बोला कि भाई किसी कंडीशन पे, दोनों ही कंडीशन में से किसी एक में भी डिनाई है तो वो ओवरऑल उसे डिनाई करेगा। एससीपी अफेक्ट्स ओनली परमिशन दैट आर मैनेज बाय अकाउंट्स, ठीक है, दैट आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एससीपी जो एससीपी है, अफेक्ट ओनली परमिशन प्रिंसिपल दैट आर मैनेज बाय अकाउंट। जो एस सी पी है उसका जो प्रिंस मतलब जो पॉलिसीज हैं, जो दूसरी पॉलिसीज हैं, तो वो क्या करेगा, वो अगर किसी अकाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के द्वारा मैनेज की जा रही है तो वो उसी को एस सी पी सॉरी एस सी पी अफेक्ट ओनली प्रिंसिपल, सॉरी मेरा माइंड थोड़ा कहीं होता, एस सी पी अफेक्ट ओनली प्रिंसिपल दैट आर मैनेज बाय अकाउंट्स। एस सी पी उन्हीं पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करेगा जो कि उस अकाउंट की या उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज की जा रही है, राइट। आई एम के बारे में पढ़ लेते हैं। आई एम पॉलिसी कैन बी अप्लाइड ओनली टू आई एम, जैसा कि एस सी पी होता है, एस सी पी का होता है अकाउंट टू अकाउंट या इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू हम उसे साइन कर सकते हैं, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में परमिशन मुझे अगर अप्लाई करनी है तो वो हो जाती है, राइट। लेकिन आई एम में क्या होता है, आई एम पॉलिसी कैन बी अप्लाइड ओनली टू आई एम यूजर। तो आई एम पॉलिसी में क्या होता है, आई एम की जो परमिशन है वो सिर्फ आई एम यूजर के लिए ही अप्लाइड होती है, ठीक है। इट कैन नेवर बी रिस्ट्रिक्ट द रूट आइडेंटिटी। और ये कभी भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, आई एम यूजर कभी भी रूट यूजर को परमिशन डिनाई नहीं कर सकता। एस सी पी में ये पॉसिबल है कि आप दूसरे अकाउंट के रूट यूजर को डिनाई कर सकते हैं, वो यूजर रूट यूजर लॉग इन नहीं कर सकता, लेकिन आई एम पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। इसमें आप आई रूट यूजर को कभी भी एक्सेस करने से ब्लॉक नहीं कर सकते। आई एम पॉलिसी कभी भी ओ यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में अटैच नहीं होती, ठीक है। एंड आई एम पॉलिसी कैन अलाउ और डिनाई एक्शन, वो सिर्फ एक्शन को अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली ओवरराइड एक्सप्लिसिटली अलाउ ओवरराइड इन एंड इम्प्लिसिटली डिनाई, एक्सप्लिसिटली अलाउ करती हैं और ओवरराइड करती हैं, नहीं सॉरी अलाउ डिनाई एक्शन। अच्छा, इसका इसके बारे में ये है कि जो एन एक्सप्लिसिटी अलाउ ओवरराइड्स एंड इम्प्लिसिटी डिनाई, इम्प्लिसिटी ये डिनाई करता है, एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है, ओवरराइड कर देता है। एंड एक्सप्लिसिटली डिनाउ ओवरराइड एंड एक्सप्लिसिटली अलाउ, मतलब ये हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं एक्चुअली इसके तभी आपको बता पाऊंगा क्योंकि इस टर्म का मतलब एक्चुअली क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिस आई एम यूजर, अब कंडीशन आते हैं कि आई एम यूजर को हम कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। जितने भी मैंने ऑनलाइन वीडियोज देखे हैं या जितने भी मैंने इंस्टीट्यूट में चेक किया है, सभी बोलते हैं कि सिर्फ आई एम को ना दो तरीके से एक्सेस किया सकता है, मैनेजमेंट कंसोल के या कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ए एम आई को एमेजोन जो डिफाइन करता है वो ये कहता है कि उसको चार तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट कंसोल। दूसरा, कमांड लाइन टूल्स, सी एल आई जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आता है ए डब्ल्यू एस एस डी के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये भी होता है। एक आई एम एस टी टी पी एस ए पी आई होती है जो रिसेंट में यूज की जाती है, तो हम उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आगे हम बात करते थे हाउ आई एम वर्क। तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आती है तो ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है आपका, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर रोल एप्लीकेशन या फेडरेटेड यूजर है, कि आप गूगल फेसबुक है यूजर बना कर दिया आपने, अमेजोन का दिया हुआ है, ये सब चीजें आपकी वेरीफाई होती हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि रिसोर्स बेस चेक किया जाता है, आप किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्शन कंट्रोल, जो हम कंसोल पे लॉग इन करते हैं, हम जो हमें मिलता है। उसके बाद आता है हम रिसोर्सेज पे, इस तरह से हमारी ये पॉलिसीज चलती हैं, कैसे एक आई एम वर्क करता है। रिक्वेस्ट आई, ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर ऑथराइजेशन हुआ, फिर आप अगर आपने एपीआई की तरफ कॉल करी है तो एपीआई को चेक करेगा,
और अगर हम रिसोर्स कर रहे हैं तो रिसोर्स को चेक करेगा, राइट। तो इस तरह से हमने आज आईएम कैसे काम करता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे उसे एक्सेस किया जाता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं आईएम में, और एससीपी क्या होता है, और एससीपी और आईएम के अंदर डिफरेंस क्या होता है, आर बैक क्या होता है, ए बैक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो गाइज अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक या कोई भी स्लाइड आपको इसमें समझ ना आई हो या कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है वो आप मुझे दोबारा बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपको कवर करूँगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लाउड लर्निंग को एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर द डे।